Students, welcome to the St. Angel's online class. Today we are here with a new video of class 9th subject physics chapter number 4, that is flotation. तो प्यारे बच्चों, हमने last video में कुछ numericals किए थे जो कि हमारा flotation है. Arnold's principle हमने देख लिया था, relative density के बारे में हमने पढ़ा था. तो आज जो कि हमारा theoretically ये पूरा chapter हो चुका है, आज हम इसके कुछ numericals करेंगे, unsolved numericals. आइए उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी और पावर, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 4 फ्लोटेशन. उसमें आपके पेज नंबर दैट कुछ अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव डेंसिटी, पेज नंबर 153. ठीक है, सबसे लास्ट में आर्नोल्ड्स प्रिंसिपल के बाद अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए, तो वही अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स मैं करने जा रहा हूं, तो आप जरा इसे देखेंगे. तो अब हम देखते हैं कुछ अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स. नाउ सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड एट ए पॉइंट, दैट इज गिवन बाय h rho g, है ना. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक बार हमने डेरिवेशन भी किया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर किसी भी पॉइंट, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, इसके कोई लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की ये डेंसिटी है, rho मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैल्यू, ठीक है, जिस जगह पे ये कंटेनर फ्लूइड के साथ भरा हुआ रखा हुआ है वहां पर जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एच का मतलब क्या होता है, लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर आपको इस लिक्विड की वजह से क्या प्रेशर होगा वो हमें निकालना है. तो फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है ऊपरी सतह से उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है वो पॉइंट कितनी डेप्थ पर है, ये हमारी होती है डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट where the pressure is to be calculated. ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर एट दिस पॉइंट ए इज गिवन बाय h rho g. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है आपका, सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, जहां पर पास्कल लॉ खत्म होता है वहां पर के बाद प्रेशर वाला हमने एक डेरिवेशन किया था. तो इसमें कहा है एक कॉलम ऑफ वाटर, एक कॉलम ऑफ वाटर, आप इस न्यूमेरिकल्स को अपनी बुक में सर्च कीजिए, एक कॉलम ऑफ वाटर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज इन ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ट्यूब के अंदर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, इसके दो फेस होते हैं, ये वाले दो एरिया होते हैं यहाँ पे, दोनों का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर एक सिलेंड्रिकल ऐसे ट्यूब है, ठीक है, उसकी ये बॉटम है और उसका ये ओपन एंड है, ऊपर से इसका ये मुंह है, माउथ है, ठीक है, तो दोनों का जो एरिया होता है इनको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड पे जो उनका फेस होता है उस फेस का जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, यूनिफॉर्म, ठीक है. आगे कह रहा है इसके जो वाटर, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर, सपोज ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज वाटर, इस वाटर की जो लेंथ है इसे बोलते हैं वाटर कॉलम, कितनी लेंथ तक भरा हुआ है वाटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ तक, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर, ठीक है, इतनी लेंथ तक वाटर का कॉलम भरा हुआ है. कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर इन द कॉलम एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, तो इतने वाटर कॉलम की वजह से, इतने हाइट का जो वाटर कॉलम है उसकी वजह से बॉटम पर, इसके बिल्कुल बॉटम पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ये वाटर, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस वाटर कॉलम, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वाटर कॉलम, वो आपको निकालना है, ठीक है. जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको लेनी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो सीधा सीधा ना देखिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या करना है आपको, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है, प्रेशर इज गिवन बाय h rho g, तो यहां पर इतने वाटर, इतनी हाइट का वाटर कॉलम की वजह से बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो गिवन बाय h rho g, इतनी हाइट है वाटर कॉलम की, सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो 0.5, ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की वजह से यहां प्रेशर है, कितनी है वाटर की डेंसिटी 1000, g की वैल्यू 10, तो देख कितना आएगा, ये हो जाएगा 5000 पास्कल, ठीक है, या 5000 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट इसकी होती है, ठीक है, दिस इज द प्रेशर, इतना प्रेशर ही एग्जर्ट करेगा वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. उसके बाद एक और सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. दूसरा सॉल्व न्यूमेरिकल में क्या बोला, इसने बोला है एक कॉलम ऑफ मरकरी, एक ऐसा ही अभी बार मरकरी का कॉलम है, ठीक है, क्या है, मरकरी कॉलम, इस बार वाटर नहीं है, इस बार यहाँ पर बेटा मरकरी कॉलम, ठीक है, एक कॉलम ऑफ मरकरी, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ मरकरी भरी हुई है, अब कितनी हाइट है मरकरी कॉलम की वो हमें नहीं पता, ठीक है, इसी ट्यूब के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका दे रखा है, इस बार एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 0.1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10⁻⁴ से,
ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो मरकरी कॉलम है, उसकी हाइट हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसका मास हमें पता है कि जितनी भी मान लीजिए हम मरकरी का जो कॉलम है उसकी हाइट है एच, ठीक है, तो इतनी हाइट एच हाइट का जो मरकरी कॉलम है उसका मास कितना है, मास ऑफ मरकरी कॉलम दैट इज इक्वल्स टू 10.2 ग्राम, ये कितना है 10.2 ग्राम, और किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0102 किलोग्राम, ठीक है, इस अगर 10.2 ग्राम दिया हुआ है, इसे किलोग्राम में चेंज करें 1000 से डिवाइड करके तो इतना किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ मरकरी एचजी, एचजी मींस मरकरी कितनी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पे सारी चीज सीजीएस सिस्टम में दिए, देखो एरिया दिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास भी दिया है मरकरी कॉलम का एच हाइट का मरकरी कॉलम उसका 10.2 ग्राम, ठीक है, और ऐसे डेंसिटी ऑफ मरकरी भी सीजीएस यूनिट है। तो सारी चीजें सीजीएस में है तो आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे इनको। आपको बताना है, बताइए कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉलम, इस मरकरी कॉलम की ये लेंथ कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको डेंसिटी दी है, आपको मास दिया है, आपको एरिया दिया है, एच हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर्स प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड आप कैलकुलेट करेंगे कि वो एट द बॉटम ऑफ दिस ट्यूब, इस ट्यूब के बॉटम पर कितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रही है मरकरी। तो प्रेशर का बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था। अब ये फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे इस मरकरी कॉलम की वजह से इस बॉटम पार्ट पर, वो फोर्स लग रहा है इसके वेट के कारण, इस पूरी मरकरी कॉलम का जो भी वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है वही इस एरिया के ऊपर, इस बॉटम पार्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो लग रहा है, ठीक है। तो पूरी मरकरी कॉलम का जो वेट होगा वही इसका फोर्स एक्सर्टेड होगा यहाँ पर, तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द मरकरी कॉलम, डब्ल्यू मीन्स वेट, तो वेट का जो फॉर्मूला होता है एम इनटू जी अपॉन एरिया। तो मास कितना मरकरी कॉलम का हमें पता है 10.2 ग्राम, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, जी की वैल्यू हमें लेनी है हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू 9.8, आप जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 9.8 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो इसको चेंज हमें करना पड़ेगा, इसके अंदर सबको मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, तो इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्योंकि सारी चीजें सीजीएस में है तो सिर्फ सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, 10.2 जी की वैल्यू 980 डिवाइड बाय एरिया वैल्यू 0.1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आंसर आएगा प्रेशर दैट इज 9.99 इंटू इतना मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, फाइंड करने के बाद फिर प्रेशर का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, दैट इज एच रो जी, ठीक है, एच इसकी हाइट है इस मरकरी कॉलम की, ठीक है। अब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ प्रेशर का जो फॉर्मूला था आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रेशर की जो वैल्यू यहाँ पे आई, मान लीजिए वैल्यू आपको सोल्व करके कितनी मिली, एक्स कुछ भी मिलेगी इतना पास्कल, क्योंकि प्रेशर निकाल रहे हो और वो सीजीएस यूनिट में निकाल रहे हो, तो सीजीएस यूनिट में पास्कल नहीं होगी, सीजीएस यूनिट में वो क्या होगी, डाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो सीजीएस में वो जाएगी न्यूटन की जगह डाई और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आएगी, अब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, एक्स इक्वल्स टू एच हमें फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें दे रखी है 13.6 और जी की वैल्यू वही 980, ठीक है। तो इन चीजों को हमें सोल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो एक्स की वैल्यू ये थी ना, तो ये हम वैल्यू रख देंगे एक्स की वैल्यू, दैट इज 10.2 इंटू 980 डिवाइड बाय 0.1, ठीक है, 980 कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू आपकी सोल्व होगी, इस इक्वेशन को सोल्व करके एच की जो वैल्यू आएगी बेटा वो होगी 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मरकरी कॉलम ऑफ हाइट एच, ठीक है, वो कितना है वो हमें सब पता था, निकाल लिया, उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद कितना मरकरी कॉलम का हाइट था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए करते हैं कुछ क्वेश्चन और, उसके बाद हम एक रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, अब हम रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि लास्ट टॉपिक था, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, उसके बाद हम आगे से वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ऑलरेडी, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ये सिंबल है डेंसिटी का, ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे, और भी वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर माइनस वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, या वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट ठीक है व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कितना लॉस हुआ जब उसे वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं। तो ऐसे तीन चार फॉर्मूले आपकी बुक में है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, तो उन्हीं के ऊपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी के। सबसे लास्ट में बेटा अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो एक सॉल्व न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 बहुत सिंपल है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर हम 2 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए सील्ड कैन, सॉल्व न्यूमेरिकल से आपके लिए, ए सील्ड कैन ऑफ मास 600 ग्राम, एक सील्ड कैन है जिसका मास कितना है 600 ग्राम, इसकी इट हैज ए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना उसका 500 सेंटीमीटर क्यूब, विल दिस कैन सिंक इन वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस वाटर के अंदर एक कैन जिसका मास 600 ग्राम है, जिसकी वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, वो अगर डाल दे तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी या तैरेगी, फ्लोट करेगी, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे डेंसिटी ऑफ कैन निकालनी है। डेंसिटी होती है मास ऑफ कैन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैन, मास कितना है 600, वॉल्यूम कितना है 500, तो ये आ जाएगी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी ऑफ कैन है वो ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है उस लिक्विड के अंदर, डूब जाता है, क्योंकि ये चीज भारी है, कैन भारी है और वाटर का हल्का है, तो क्या होगा जब वाटर में उस कैन को डालेंगे तो क्या कैन हो जाएगी, क्योंकि भारी है तो डूब जाएगी, सो इट विल सिंक इन वाटर, इट विल सिंक इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर वो डूब जाएगी क्योंकि वाटर से